हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशी आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी तीन तरह की पूरी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पूरी बनाएंगे वो है हरे मूंग की। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी हरे मूंग लिया है, जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। अब हम इसमें चार कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हींग, इसके साथ ही हम बेसिक मसाले लाल मिर्च, हल्दी, नमक ऐड करेंगे। सभी मसाले डालने के बाद इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसे मिक्सर जार में हमें 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है। आपको अगर पसंद हो तो इसमें आप प्याज भी डाल सकते हो। मूंग दाल वाला पेस्ट हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए डो तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज के बाउल में लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी ऐड कर सकते हो। ऑयल डालने के बाद जो हमने मूंग दाल वाला पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद आप इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए ताकि आटा हमारा सॉफ्ट बने। देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है, बस इसी तरह का हमें चाहिए। आपको जिस साइज़ की पूरियाँ तैयार करनी है उसी साइज़ की आप लोई तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ छोटी छोटी पूरियाँ बना रही हूँ तो छोटे साइज़ की लोई तैयार कर रही हूँ। अब हम इस डो से छोटे आकार की पूरियाँ बेल लेंगे। पूरियों का आकार आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जैसा चाहे कर सकते हो। सभी पूरियां बेलने के बाद एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और सभी पूरियों को सुनहरा होने तक तल लेंगे। पूरियों को तलते वक्त आपको गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है। अगर आप पूरियों को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे, और अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगी। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि ये बिल्कुल भटूरे जैसी फूल जाएँ। देखिए हमारी पूरियाँ बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है। देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में तो क्या बात है। अब हम दूसरी तरह की पूरियाँ तैयार करते हैं। ये है मूली की पूरियाँ। अब ये पूरियाँ भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और फुली फुली बनी है। तो चलिए अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक मूली को कद्दूकस कर लिया है और उसका सारा पानी निकाल लिया है। पानी को हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसे एक साफ बर्तन में निकाल लेंगे। मूलियों को निचोड़ कर सारा पानी निकालने के बाद इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब हम इसके लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और जो कर्स की हुई मूलियाँ थी वो मूलियाँ, इसके साथ ही नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके जो मूली वाला पानी है उससे एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और इसकी भी हम छोटी छोटी लोइयां लेकर इन्हें बेल लेंगे। पूरियों का आकार आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा जैसा चाहिए रख सकते हो। मैं यहाँ बिल्कुल छोटे आकार की पूरियाँ तैयार कर रही हूँ। सभी पूरियों को बेलने के बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और इन पूरियों को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। इसकी फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और पूरियों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रेड करते जाएंगे और उन्हें पलट देंगे ताकि हमारी पूरियाँ अच्छे से फूल जाए। कि हमारी मूली वाली पूरी भी बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बनी है। ये अच्छे से गुब्बारे की तरह फूल गई है। मूली की पूरी तैयार होने के बाद हम बनाते हैं तीसरी टाइप की पूरियाँ। इसको खाने में तो स्वादिष्ट होंगी, इसके साथ ये बनाने में भी बहुत आसान होगी और ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और इसको पानी में डालकर भिगोकर छोड़ दिया है। सूजी में आपको पानी उतना ही डालना है जितने से बस सूजी भीग जाए। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच घी या तेल ऐड करेंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे। थोड़ी देर ढककर छोड़ने से ये थोड़ी फूल जाएगी। देखिए इस तरह का टेक्सचर होने पर हम इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें बॉईल किया हुआ आलू, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी धनिया पत्ती आदि ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें कद्दूकस करके कच्चा आलू भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ बॉईल करके डाल दिया है। बॉईल किए हुए आलू और सभी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। इसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के इसकी पूरियाँ बेल लेंगे। पूरी का साइज आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हो। मैंने यहाँ नॉर्मल साइज की पूरियाँ बेलकर तैयार की है। सभी पूरियों को इसी तरह से बेलने के बाद हम एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म करेंगे। तेल को हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। इसके बाद हम इसमें पूरियाँ डाल देंगे। एक तरफ से जब अच्छी तरह से फूल जाएगी तो हम दूसरी साइड से इसे पलट देंगे। इसी तरह से हम सभी पूरियाँ तैयार कर लेंगे।
तो हमारी आलू और सूजी की पूरियां बनकर तैयार है। आप मेरे बताए तरीके से एक बार पूरियां जरूर बनाइए। आपको इन पूरियों में समोसा, कचौरी और पकौड़ी तीन तरह का स्वाद एक साथ मिलेगा। तो आप मेरे बताए तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।